ले मित्रों नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज घर पे यहाँ पर हमारे दाजू एक नई बकरी लेके आए थे। तो कहते हैं देखो, जानवर भी इतना बुद्धिमान होता है, जब से आया है ना इसको पानी की प्यास है ना भूख है, अपने घर तो की ओर देख रहा है। अपना जो घर होता है वास्तव में अपना ही घर होता है। ये नहीं कि ये पशु है, या तो हर किसी को रहती है, लेकिन बहुत उदास जैसा है ना। ये यहाँ पे भोजन कर रहा है ना, खाना खा रहा है ना, पानी पी रहा है। देखते हैं इसको पानी पिलाते हैं, क्या पता पानी पी ले। इसको कहते हैं माया ममता। देखो पानी की ओर झांक रहा है, लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं है उसकी। देख के सर उठा दिया उसने। वो आज सब कुछ उसके लिए क्या है, एक अलग है। हम बोलते ना कि यार ये जानवर है, ये क्या जानता है, सिर्फ बोल नहीं सकता, बाकी तो सारी घटनाएं वही रहती हैं, सारी घटनाएं वही रहती हैं कि ये जानवर है कहने का नहीं होता है। देखो देखो मित्रों, जैसे कि आज पूरा उदास हुआ है। मैंने यहाँ पर घास भी रखी है, लेकिन कुछ नहीं खा रहा है वो, उदास बैठा है, जब से आया हुआ है उदास हुआ है। ये अपनी घर की यादें, ये नहीं कि एक ही वो नहीं कहते ना, लड़की मायके चली गई तो ससुराल चली गई लड़की को याद आती है, लेकिन ये भी एक लड़की है, ये भी एक किसी न किसी लड़की है, किसी न किसी की लड़की है। इसको भी ये माया मोह ममता कहते हैं ना। आज अपने यार दोस्तों से या अपने बेटी बेटियों से बहुत बेटा बेटियों से बहुत दूर आ गई है, इसलिए उदास बैठी है। और अगल बगल में जो बकरी देख रही है उनको भी देख रही है कि ये आज कौन आए अलग, जैसे एक नया परिवार है उसके लिए। आप देखो यहाँ पर भी अपना परिवार बसाएगी, और कुछ टाइम बाद दाजू इनको भी विदा कर देंगे यहाँ पे।